वनस्पतियों में पुष्प लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है। आवृत्त बीजी पुष्प में चार मंडल होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इनमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये आंतरिक मंडलों की सुरक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें अतिरिक्त मंडल कहते हैं। पुमंग और जायांग प्रजनन के समय लिंग पेशी बनाते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक मंडल कहते हैं। जब पुष्प में चारों मंडल होते हैं तो उसे संपूर्ण और उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरणार्थ गुड़हल का फूल बाह्य दलपुंज सेपल का और दलपुंज पंखड़ियों का बना होता है। पुमंग पर पुतंतु होते हैं और जायांग के स्त्री केसर और अंडाशय होता है। हर पुतंतु के ऊपर पराकोष होते हैं। पराकोष के अंदर अर्धसूत्री विभाजन से पराकण बनाए जाते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर के सबसे निचले भाग में अंडाशय होता है, जिसमें एक या अनेक बीजांड होते हैं। बीजांड में दो अर्धगुणसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश तैयार होता है। पराकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। पराकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं और परागनली बनती है। इस परागनली में दो पुयुग्मक होते हैं। परागनली भ्रूणकोश तक पहुंचती है। एक पुयुग्मक एक अंडकोशिका के साथ एकरूप होता है और युग्मनज बनता है। दूसरा पुयुग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों से संयोग करके भ्रूणकोश बनता है। इस प्रक्रिया में दो पुयुग्मक भाग लेते हैं, इसलिए इसे दोहरा फलन कहते हैं। फलन के बाद बीजांड का रूपांतरण बीज में तथा अंडाशय का रूपांतरण फल में होता है। विद्यार्थियों, हम इस प्रक्रिया का पुनरावलोकन एक आकृति से करते हैं।